जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज सठौरा बनाऊंगी। अब आइए देख लेते उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हम आटा लिए हैं और गुड़ लिए हैं, हल्दी लिए हैं, गाद लिए हैं और मखाने लिए हैं, छुहारा लिए हैं, गरी लिए हैं और काजू लिए हैं, सोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, किशमिश लिए हैं। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं, गैस को जला दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। ये हम देसी घी ले लिए हैं। सबसे पहले हम गाद को छानेंगे, भूनेंगे। देसी घी हमारा गर्म हो गया है, अब गाद को हम इसी में भून लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमको भूनना है। ये देखिए गाद हमारी हो गई है, अब हम निकाल लेते हैं। अब हम इसी में मखाना डालेंगे। अब मखाना भी हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए मखाना भी हमारा भून गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये हम थोड़ा सा घी और डाले हैं, इसी में आटा डाल के भूनेंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, धीमे आंच पे ही भूनेंगे ताकि जले ना। आइए तब तक हम गाद और मखाने को थोड़ा महीन कर लेते हैं। उधर हमारा आटा भून रहा है। ये देखिए गाद को हम चूर कर लिए हैं, अब हम मखाना भी इसी तरीके चूर कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से चूरा हो जाएगा। एक एक में दो दो तीन तीन फोड़ लो, ज़्यादा महीन भी हमको नहीं करना है इसको। ये देखिए मखाना भी हमारा महीन हो गया है, इतना ही हमको दरदरा करना है। आइए आटा देखते हैं। ये देखिए आटा भी हमारा भून गया है, हल्का लाल हो गया है। अब हम इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमारी कढ़ाई अभी गर्म है, अब इसमें हल्दी भी हम भून लेते हैं। इसमें हम तेल डालते हैं। ये हल्दी को हमको सरसों के तेल में भूनना है। सरसों का तेल जब बच्चा उच्चा होता है तो उस सठौरों में डाला जाता है, बहुत ही फायदा करता है। इसी में हम सौंठ भी डाल के भून लेंगे। हल्दी भी हमारी हो गई है और सौंठ भी इसी में निकाल लेते हैं आटे वाले में। ये हम एक बड़ा बर्तन लिए हैं, सब हम ही इसी बर्तन में रख लेते हैं। इसको हम थोड़ा मिला लेते हैं, तब हम गुड़ गरम करके इसी में डालेंगे, तब बांधेंगे। अब गुड़ को हम पिघला लेते हैं। इसी में हम सरसों का तेल डाल देंगे थोड़ा सा।
देखिए गुड़ हमारा पिघल रहा है। ये देखिए गुड़ हमारा पिघल गया है। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। गुड़ को हम डाल देंगे। इसको जल्दी से हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम बांध लेते हैं। थोड़ा गरम गरम ही बांधेंगे ताकि हमारा जल्दी से हो जाए, सूखे ना। ज़्यादा सूख जाएगा तो बंधाएगा नहीं सही से। ये देखिए ऐसे ही सुठौरा हमको बनाना है। आप बड़ा साइज या छोटा साइज ले सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज है, ये साइज सही है। ऐसे ही हम पूरा बना के रख लेंगे। ये देखिए सुठौरा हमारा बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये सुठौरा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।